14 फरवरी नूं पैण जा रहीआं नगर कौंसल चोणां दौरान वोटरां नूं फोटोआं वालीआं पर्चीआं बेलॉज वंडण संबंधी पैदा होए सवालां दा जवाब दिंदिआं चोण रिटर्निंग अफसर कम SDM रायकोट डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने दस्सिआ है कि रायकोट नगर कौंसल चोणां नूं लै करके उम्मीदवारां वल्लों सवाल पुछे जा रहे हन कि वोटर पर्चियां बैलॉज वल्लों वंडियां जाणगीआं परंतु सूबा चोण कमिशन वल्लों भेजी जानकारी मुताबिक इन्हां नगर कौंसल चोणां विच सूबा चोण कमिशन वल्लों वोटर फोटो पर्ची नहीं भेजीआं जाणगीआं अते ना ही बैलॉज ए पर्चियां वंडणगे सगों उम्मीदवार अपने तौर ते वोटर पर्ची वंड सकदे हन उत्थे ही नवंबर दिसंबर च ऑनलाइन बनाईआं वोटां भी इन्हां नगर कौंसल चोणां विच नहीं पाईआं जाणगीआं सगों फरवरी 2020 तो बनिया वोट जो वोटर सूची विच दर्ज हन ओही वोटर इन्हां नगर कौंसल चोणां दे विच वोटां पा सकदे हन। इलेक्शन कमीशन वालों स्टेट इलेक्शन कमीशन वालों हदायत आई है कि कोई वोटर पर्चियां जिहड़ियां फोटो वोटर पर्चियां होंदियां ने पहला BLO वालों वंडिया जाती होंदियां ने इस तरह का लोकल इलेक्शन दे विच कोई वोटर पर्ची नहीं वंडी जानी। सो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स नूं यह हदायत हैगी है कि जे अपने पद्धर ते वो कुछ करना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है। BLO वालों कोई फोटो वोटर पर्ची इलेक्शनों तो पहले नहीं वंडी जानी। तो एक सर ऑनलाइन जी वोटर का उन्होंने की मसला सर? ऑनलाइन वोटर का कई वालों ये कन्फ्यूजन हो गई कि जिन्होंने वोटा अपन नवी वोटा नवंबर या दिसंबर महीने बनवाई सन वो वोटा उन्होंने लग रहा है कि यह स्टेट इलेक्शन कमीशन दोटा म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन भी उन्होंने वोटा बन गई ने। जानकारी लिए दस दें कि जिहड़ियां वोटा नवंबर दिसंबर बनिया सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों बनाई गई सीगियां जिन्हें कि विधानसभा या MP इलेक्शन यूज़ कीतियां जांदियां ने। जिहड़ियां MC इलेक्शन वोटर सूचियां बनिया ने इन्हां नूं असीं फरवरी 2020 तो चक्या है वो तो बाद बनन वाली वोटां नूं जिहड़ी नवंबर तक बनिया ने उन्हां नूं सप्लीमेंट 1 च लगाया है ते नवंबर दिसंबर दे विच बनन वाली वोटां जिहड़ियां सी जेकर उन्होंने स्पैसीफिकली फॉर म्यूनसिपल कमेटी इलेक्शन बनाई ने ते उन्हां दा सप्लीमेंट 2 बनिया है। जिन्हां ने स्पैसीफिकली MC इलेक्शन वास्ते नहीं बनाईआं उन्हां दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली वोटां MP और MLA इलेक्शन वास्ते बन गईआं।